आज बेटे ये जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन आज ही समाप्त हो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी काफी बच्चों ने लाइव क्लास भी अटेंड करी कितने बच्चों ने बाद में देखा लेक्चर वो मैंने अटेंड किया लेक्चर प्रॉपर करते रहे ठीक है हर हालत में ऐसे नहीं चलने वाला मेहनत करिए मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ मेहनत करनी है यही मेहनत हमारा बेस है छोटी आगे काम देगा और तीन प्रैक्टिकल दो चुकी है ना अभी तक किसी भी बॉयज ने गर्ल्स ने तो चेक करवा दी किसी भी बॉयज ने फाइल नहीं चेक करवाई थी जैसा कि मैंने कहा पहले वो तीन एक्सपेरिमेंट चेक करवाइए दो एक्टिविटी चेक करवाइए आफ्टर दैट हम अगले प्रैक्टिकल परफॉर्म करें समझ में आ गया बहुत जल्द से जल्द पूरा करिए और चेक करवाइए फाइल कंप्लीट करिए समझ में आ गया ना सिस्टम बदला जा चुका है बोर्ड का नए सिस्टम के तहत अब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम दो बार होगा मैंने शायद बताया बेटा कल आपने अगर सुना होगा लेक्चर पहले क्या था प्रैक्टिकल एग्जाम पर एनम होता था अब आप सुनने आप करके बाद होगा ठीक है ना मैंने कहा आपको प्रैक्टिकल दो बार दिया गया 15 नंबर का पहले होगा फटाफट खत्म हो जाएंगे That particular body, which have a definite shape and size, they cannot be changed shape and size after applying any type of forces. यानी कि rigid body वो body होती है, जो कि बहुत ही मजबूत होती है। अगर हम किसी भी प्रकार के किसी force को apply करते हैं, तो वो अपनी shape को, अपनी size को नहीं बदलता, उसके shape और size में कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसी पर्टिकुलर बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है रिजिड की हिंदी होती है दृढ़ मजबूत लेकिन क्या होती है जैसे ये क्या है बेहतर है अगर हम इसे फोर्स अप्लाई करें क्या इसकी शेप में क्या इसकी साइज में कोई डिफरेंस आ रहा है तो क्या है इसे सर रिजिड ठीक है जैसे कोई और चीज आप ले लें तो आपने बैलून ले लिया आपने उसको प्रेस किया बैलून को प्रेस करने पे क्या होगा उसकी शेप भी बदल जाएगी जैसे सपोज आप बैलून ले लिया ये मान लो पर्टिकुलर बॉडी आप ने इसको फोर्स अप्लाई कर दिया और फोर्स अप्लाई करने पर माना आप इसकी शेप बदल गई ठीक है क्या ये पर्टिकुलर बॉडी इसकी पॉजिटिविटी में आएगी नहीं आएगी फ्लेक्सिबल है क्या ये दे आर नॉट फॉर इन डिग्री ऑफ रिजिड ठीक है रिजिड बॉडी जो होती है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं कौन सी प्रॉपर्टी इलास्टिक समझ रहे हैं ना जैसे ट्यूबेल तो ये और हमारे बैंडिल का थी उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया अगला है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये क्या होता है अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट चाहते हैं
या और एक मुख्य कैटेगरी, दो कैटेगरी में आती है, एक तो होता है ट्रांसनेशनल, क्या होता है ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल क्या होता है, बड़ा ठीक है। तो पहले इसको बाद में पढ़ेंगे। इसका पॉइंट है एक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे पहली कंडीशन एक्विलिब्रियम का, अर्थ क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, फिर हम जिस बॉडी को जाने से पहले जो बॉडी का होता है एक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होता है। एक्विलिब्रियम की हिंदी होती है साम्यवस्था, क्या होती है साम्यवस्था। देखो इसका थोड़ा सा हम कर सकते हैं, चेंज करते हैं इक्वल, देखो कहीं भी इक्वल वर्ड आ रहा है, इक्वल इक्वल चीजें हो उसके साथ, तो जो भी हो उसमें जो भी उसके सेगमेंट्स हो उसमें इक्वेलिटी क्या हो, तो इक्विलिब्रियम हिंदी में जाती साम्य अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें क्या हो बैलेंसिंग हो, क्या हो बैलेंसिंग, ऐसी अवस्था जिसमें बैलेंसिंग हो। यानी कि जैसे हमने आप लोगों को अगर हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, मैंने मिड पॉइंट से कहा भाई इतने बच्चे इधर बैठेंगे इतने बच्चे इधर बैठेंगे, माना कि 30 बच्चे इधर बैठेंगे 30 बच्चे, मामला कैसे चला गया एक्विलिब्रियम में, मिड पॉइंट से कैसा गया एक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। आज हम कुछ इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम का कंसीडरेशन भी दो प्रकार का होता है। पहला कंसीडरेशन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है मोशन है तो मोशन कैसा होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, कंडीशन क्लियर हो गया। बॉडी कैसे होनी चाहिए रेस्ट हो, या अगर मोशन में है तो मोशन कैसा होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, एक ही कंडीशन क्या ऑब्जेक्ट या तो स्टेट ऑफ रेस्ट पर, अगर मोशन में है तो मोशन कैसा होना चाहिए स्टेट ऑफ, इसे हम क्या बोलेंगे ट्रांसलेशन। यानी कि फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, योर फर्स्ट कंडीशन अब हम बात करेंगे सेकेंड कंडीशन क्या होती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, और उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। गुड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम रोटेशनल, चीज वही है लेकिन मामला क्या है रोटेशनल मोशन, दो प्रकार हो सकता है सीधी रेखा या घुमावदार, दो ही प्रकार होगा या तीन प्रकार हो सकता है बताइए। मोशन कितने प्रकार हो सकते हैं, दो प्रकार होंगे, या तो आप सीधे भागेंगे
या तो गर्व पर भरी नहीं, अगर आपको दौड़ने को मैं बोल दूं आप कैसे दौड़ोगे, या तो सीधे दौड़ेंगे या तो टर्फों में दौड़ेंगे, भूल दौड़ेंगे, यही तो है या कोई और प्रकार की आप रनिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से इक्विलिब्रियम को भी दो भागों में तोड़ा जाता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। रोटेशनल में क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ कहा ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पर हूँ या स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन हो, इसमें क्या है कि वही ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन फैन। बेस्ट एग्जांपल इज योर फैन, द एग्जांपल ऑफ योर रोटर, जितने भी रोटर होते हैं, और भी एग्जांपल ले लीजिए योर ऑल टाइप ऑफ मोटर, जितने भी मोटर होते हैं, जैसे कैसा मोशन होता है रोटेशनल। आपका जनरेटर, जनरेटर जो आप इंजन लगाते हैं, इंजन के भी कैसे घूमता है, मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में। क्या क्या इंजन का जो पहिया है वो स्ट्रेट लाइन मूव करता है क्या, रोटेशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, सब जगह ज्यादा देर मशीन में कैसा मोशन होता है, रोटेशनल। अब आप समझ गए होंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, छोटे छोटे कहीं से नहीं, तो डेफिनेशन को ढंग से समझ लीजिएगा। अभी तक हमने केवल तीन बातें सीखी है, ओनली व्हाट डू मीन बाय सेकंड, व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, that is also said to be first condition of equilibrium, and then rotational equilibrium is also said to be second condition of equilibrium। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे वही पॉइंट आ गया जो हमको बोलना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ भी आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, वाटर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू, फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल, सेकंड वन इज, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए दोनों चीजों पर चलेगा, इसीलिए जब मैंने अभी लिखा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मैंने सोचा यार दो चीजें मुझे बताई, या तो ट्रांसलेशनल बताया तो प्रिंसिपल बताया, इसको समझेंगे, इसलिए जो मैंने पहले उसको। अब आइए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसको समझने के लिए एक हम एग्जांपल शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों ने शीशा जरूर देखा होगा, आप छोटे रहे होंगे, शुरू में शीशा पर जरूर झूला होगा, है ना। शीशा को किस प्रकार का ध्यान देंगे, एक फीट में मिड पॉइंट होता था और इसी के ऊपर एक लीवर लगा होता था, लीवर होता था, बच्चे इसी पर क्या करते थे, एक ऊपर छोटा मुझ के किया होता, बाकी जो स्कूलों में लगाया जाता है उसी से हम बीच में लगाते हैं, इसे हम फल कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट होता है, इसी पर आपका सबसे क्या चलता है। और अगर आप गौर करें तो आपको जो बैलेंस होता है ना तराजू, वो भी ऐसे ही होता है। अगर हम तराजू की बात करें तो ये चीज बराबर तराजू करो तो बीच ले आओ, फिर आप एक तरफ वेट करते हैं, एक तरफ अपने फुट से रखते हैं और वोट को क्या करते हैं, वेट करते हैं, यही बदलता है ना। जब आप तराजू लेते हैं तराजू के एक पैन में आप क्या रखते हैं, वेट, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, लाइक दैट। तो आप क्या रखते हैं, अंदर
करते और इधर भी आते हैं आप जिस चीज का वेट करना होता है सुबह जो भी है इसका भी आप फॉर्मूला सीखते हैं तराजू जस्ता कहते हैं और इसी को कहते हैं दोनों रोटेशनल भी चलता है और ट्रांसलेशनल भी चलता है अब दोनों को समझेंगे ट्रांसलेशनल कैसे चलेगा ट्रांसलेशनल के लिए मैंने आपको बताया जो भी मोशन होगा वो क्या होगा स्टेट है नहीं अच्छा रोटेशनल की बात होगी तो बनना क्या अगर ये आर्म नीचे दिया ये आर्म ऊपर दिया ये कैसा मोशन बनना क्या और ये कैसा मोशन है आई होप तो बनना क्या होगा अब जरा देखिए कंसीडरेशन में लेते हैं अगर हमने यहाँ पर एक फोर्स बनाया बैकवर्ड पर्टिकुलर डाउन पर से हमने इस बच्चे को उठा के उठा लिया इसका फोर्स ना जाएगा इसको उठा के उठा लिया इसको ना जाएगा इनको फोर्स लगा एफ वन एफ जाहिर सी बात है इन दोनों का जो वेट है कहाँ पर लाइक करेगा जाहिर सी बात है इस पर एक रिएक्शन लाइक करेगा कहाँ बैलेंस करेगा लेकिन ऐसा नहीं है हमने किस आर्म की लेंथ को बोला डी वन और किस लेंथ को मैंने बोला आई होप दिस वन आ गया होगा तो डेफिनेशन ये कहती है बच्चे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ algebraic sum of all the moment or all the forces lying on it is zero. इस तरह मूवमेंट के कहना है अगर कोई बॉडी चाहे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो चाहे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो उसके जो भी फोर्सेस लगेंगे उनका algebraic sum क्या होगा कोई भी इक्विलिब्रियम कोई भी इक्विलिब्रियम चलेगा लेकिन उनका सम जीरो समझ में आ गया और जिसका सम जीरो होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है इस समय अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करें कितने नीचे वाले को ऊपर वाले को कैसे करते हैं और स्टेप नीचे वाले को देते हैं क्या बनेगा r माइनस f1 माइनस f2 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दी सम एल्जेब्रिक सम ऑफ r फोर्सेस इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंशियल ऑफ दिस कोलाइडर आइदर देयर इज ट्रांसलेशनल कंडीशन either there is rotational condition in the formula is algebraic sum of all moments all type of force equal to zero kitne forces lag rahe hain r equal to a positive f1 downward hai negative hai f2 downward hai negative hai r minus f1 minus f2 equal to zero r ke right r equal to अब हम बात करते हैं इसकी रोटेशनल
condition is not over here. I have written some of all movements. Movements of four books. Equal to. Eighteen condition over here. अब ये क्या बनेगा? रोटेशन में जो एक का फॉर्म होता है, अगर आप किसी लोड का लगा तो और क्या है रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड. आपने कितना लोड लिफ्ट किया टू द उस लोड को उठाने के लिए आपने कितना एफर्ट अप्लाई किया. एफर्ट की हिंदी होगी प्रयास करना. आपकी तरफ जो काम किया गया उसे प्रयास करना. अंग्रेजी में एफर्ट का मतलब है आप एफर्ट करिए प्रयास करिए. और प्रयास इसके लिए किया जाएगा आपने लोड लिफ्ट किया कितना लिफ्ट किया आपने अगर F1 अपॉन F2 MA है रेशियो ऑफ F1 F2 इज MA देन प्रोसेस फॉर्मूला यू कैन राइट दिस वन इज ओवर D इक्वल टू MA F1
बेटा सुंदर आज हमारे जा रहे हैं बेटा, ये चीज क्लियर हो गया। तो एक लास्ट पॉइंट जनरेशन रेट को पूरी कर पूरा हो जाएगा। अगला है लास्ट पॉइंट चैप्टर का सीजी सेंटर ऑफ ग्रिड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर ऑल वेट ऑफ आवर बॉडी इज लाइंग। ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट हमारे बॉडी पर जहां पर हमारी बॉडी का सारा वेट क्या करता है? लाइंग होता है। जैसे आप आगे देखते हैं ना, एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप जब ज्यादा करेंगे वो जो वेट लाइन आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आगे से पास आउट कर रही है तो आगे क्या हो जाएगी? और फिर अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे भी जाने का एक पॉइंट है। जब तक आपकी जब तक बेसिक लाइन आपके मॉडल में लाइक होती है तब तक आप ऊपर रहेंगे और जैसे लाइन से पास आउट होगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगा क्या जाएंगे इस लाइन से मैं कर देते हैं सेंटर ऑफ टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन बॉडी टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन बॉडी ऑलवेज इक्वल टू जैसे यहाँ बोले मोमेंट दिया था वो भी क्या था जीरो था सिमिलर पैटर्न पर ये भी जीरो समझ गए। तो आज की रिकॉर्डिंग हम यहीं तक देता हूँ।